हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी लॉ की सीरीज़ का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है सो जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले कंपनी लॉ बिज़नेस लॉ और स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और हाँ अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो मेरा एक और चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है स्टार्ट होती है तो उस कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ही पड़ता है ठीक है इस डॉक्यूमेंट में ये बताया जाता है कि कंपनी का क्या पर्पस है कंपनी क्या काम करेगी ठीक है उसमें कंपनी की स्कोप को डिफाइन किया जाता है कि वो क्या किस मकसद से वो इनकॉर्पोरेट हुई है ठीक है तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसे कंपनी का चार्टर बोला जाता है चार्टर का मतलब होता है एक रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें यह बताया गया हो कि कंपनी का क्या पर्पस है उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है कि वो किस लिए फॉर्म हुई है इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी इज इनकॉरपोरेटेड कि कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट हुई है उसमें ये बताया जाता है इस डॉक्यूमेंट में नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी तब तक रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है क्यों क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के राइट्स बताए जाते हैं कंपनी का क्या मकसद है क्या ऑब्जेक्टिव है और उसकी क्या मतलब स्कोप है, है और क्या काम करेगी इफ अ पर्सन मेक्स कंपनी अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया है तो यह माना जाता है कि वो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के ही आया होगा ठीक है तो अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है मींस वो कंपनी की स्कोप के बाहर है तो उस केस में कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगी ठीक है तो जब भी कोई पर्सन डील करने आता है कंपनी के साथ तो ये ऑटोमेटिकली माना जाता है कि वो कंपनी का एमओए पढ़ के ही आया होगा द मेन पर्पज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स अदर डीलिंग विदनी अबाउट दिफियर ऑफ द कंपनी बिजनेस ठीक है तो जो मेन पर्पज होता है एमओ ए का वो ये होता है कि शेयर होल्डर्स को क्रेडिटर्स को और जितने भी लोग जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको ये बताना कि कंपनी का क्या फेयर है कंपनी मीन्स किस हद तक काम कर सकती है और क्या काम कर सकती है उसका क्या मकसद है जैसे अगर कोई कंपनी टायर बना रही है तो उसका मकसद सिर्फ टायर बनाना है ठीक है ना तो यह चीज लिखी जाएगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि उसका क्या पर्पज है ओके नेक्स्ट इज डेफिनेशन अब जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन टू सब सेक्शन फिफ्टी सिक्स ऑफ कंपनी थर्टीन में दी गई है तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन नहीं है ठीक है ये सिर्फ ये बताया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है बेसिक चार्टर होता है जो कि मैंडेटरी होता है मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी कंपनी को बनाना ही पड़ता है इसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट स्टार्ट नहीं हो सकती है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी ये कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी की क्या स्कोप होगी क्या सिफियर होगा और इसकी क्या लिमिटेशन होगी मतलब कंपनी सिर्फ यहाँ तक काम कर सकती है ये इसकी लिमिटेशन है इसके बाहर नहीं जा सकती ठीक है द मेमोरेंडम कैन नॉट बी ऑल्टर बाय द कंपनी देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ईजिली ऑल्टर नहीं किया जा सकता देखो ऐसा तो नहीं है कि चेंज ही नहीं किया जा सकता ऐसा कहना गलत होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन है ठीक है आपको बहुत सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती हैं जो कंपनी एक्ट में गिवन है तभी आप उसे ऑल्टर कर सकते हो अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ों में से ऐसे नहीं है कि बहुत इजीली आप ऑल्टर कर सकते हो कि भाई आज हमें ये चेंज करना है बस जल्दी जल्दी चेंज कर दो तो ऐसा नहीं है इसका प्रोसीजर काफी लंबा है आपको रेजुलेशन पास करने पड़ते हैं और कंपनी एक्ट में इसका प्रोसीजर गिवन है आप ऐसे ही इसको ऑल्टर कर सकते हैं ठीक है तो मतलब ये ईजिली ऑल्टर नहीं होता है इसका मतलब ये है और जितने भी एक्ट या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के स्कोप के बाहर किए गए हैं उसे अल्ट्रावायर्स माना जाता है अल्ट्रावायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी ठीक है अगर कंपनी के साथ कोई भी पर्सन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कंपनी की मेमोरेंडम में मेंशन ही नहीं है तो मींस वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा तो उसके लिए आप कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना तो आप कंपनी पे कोई केस कर सकते हो ठीक है तो मींस वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा कंपनी के स्कोप के बाहर हो जाएगा जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट मीन्स इसको कोई भी जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करने आ रहा है वो उसे चेक कर सकता है मतलब उसे इंस्पेक्ट कर सकता है मीन्स उसे कोई भी जाके पढ़ सकता है किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ठीक है तो ये ओपन डॉक्यूमेंट है जो कि कोई भी पब्लिक में जाके पढ़ सकता है इट डिफाइन्स द कंपनी रिलेशन विद आउटसाइडर्स इंडिविजुअल्स एंड इट्स एक्टिविटीज इन रिलेशन टू दैम ठीक है तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी के रिलेशन को डिफाइन करता है बाहर वालों के साथ क्योंकि जो भी बाहर वाला कंपनी के साथ डील करने आएगा ये माना जाता है कि वो एम को पढ़ के ही आएगा देन वट आर द पर्पज इज एन इम्पोर्टेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों जरूरी है क्या पर्पस है क्या इंपॉर्टेंस है इसकी तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ये मैं पहले भी अभी आपको बता चुकी हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ठीक है मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है इसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती चाहे पब्लिक कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है सबको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ही पड़ता है ठीक है? है, देखो ये किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है इसको इजिली आप ऑल्टर नहीं कर सकते 1890 तक क्या था इंग्लैंड में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप ऑल्टर कर ही नहीं सकते थे मतलब आप उसे चेंज कर ही नहीं सकते थे लेकिन देखो समय के साथ वक्त बदला अब नई नई चीजें ऐड हो रही हैं सरकमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं ठीक है ठीके? तो कंडीशंस जो आज की आज के बिजनेस में कंडीशंस जो है वो रोज़ चेंज होती हैं तो अब वक्त के साथ आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकते हो लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट के अंडर उसी के थ्रू और उसी प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप ऑल्टर कर सकते हो हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं टॉपिक कराऊंगी कि आप कैसे उसको ऑल्टर कर सकते हो ठीक है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट इज इट डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ कंपनी ऑपरेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी क्या काम करेगी उसका क्या स्कोप होगी और उसके बाहर जो है कंपनी नहीं जा सकती जो मेमोरेंडम में लिखा है बस वही काम करेगी उसके बाहर वो काम नहीं कर सकती अगर मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी टायर का काम करेगी ठीक है तो कंपनी किसी और काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती अगर वो होती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा एनी ट्रांजेक्शन बी अल्ट्राइड माना जाएगा एंड कैन नॉट बी वैलिडेटेड ऑन एनी ग्राउंड सही नहीं कर सकते ठीक है ना अगर सपोज कंपनी टायर बनाने के लिए उसने मेमोरेंडम में लिख दिया कि हम टायर बनाएंगे ठीक है तो अगर कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रेलवे ट्रैक बनाने के लिए तो जो उसके मेमोरेंडम में मैंशन ही नहीं है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉयड हो जाएगा ठीक है आप बाद में उसे चेंज भी नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम ऐसा करते हैं मेमोरेंडम को अल्टर करके कंपनी को रेलवे ट्रैक बनाना भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पर ऐसा नहीं हो सकता आप उसे वैलिडेट नहीं कर सकते किसी भी हाल में बाद में ओके नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स मेमोरेंडम बताता है कि कंपनी का क्या रिलेशनशिप है आउटसाइडर्स के साथ देखो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है इसे कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है ठीक है जो भी आ रहा है कंपनी के साथ डील करने के लिए यह माना जाता है कि वो उसे पढ़ के ही आ रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसे पता है कि कंपनी का क्या मकसद है क्या पर्पसेस है एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द कंपनी दैट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के मेमोरेंडम के बाहर है उसकी लिमिट के बाहर है वो कंपनी को बाउंड नहीं कर सकती मीन्स आप कंपनी को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते उस केस में कंपनी बहुत इजीली कह कह देगी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता था ये तो हमारे मेमोरेंडम के बाहर है ये तो अल्ट्रा अल्ट्रावास हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है ठीक है तो मतलब वो कंपनी को आप बाउंड नहीं कर सकते उस चीज के लिए नेक्स्ट इज इट दैट गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी अब देखो इसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं ठीक है उसमें बताया जाता है कि कंपनी क्या है कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है जैसे कि कंपनी का क्या नाम होगा उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा उसका क्या एड्रेस होगा कंपनी के शेयर कैपिटल कितनी होगी क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी है क्या मकसद होंगे कंपनी के क्या एक्टिविटीज होगी क्या लिमिटेशन होगी तो एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की एक पिक्चर दिखाता है कि कंपनी एक्चुअल में करेगी क्या नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो हम किस फॉर्म में बनाते हैं देखो ये जो है टेबल ए बी सी डी ई फॉर्म में बन सकते हैं शेड्यूल के अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अब ये जो ए बी सी डी ए है ये अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग है जो टेबल ए की फॉर्म में कौन सी कंपनीज बनाएंगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो कंपनीज जो लिमिटेड बाय शेयर है ठीक है और टेबल बी वो बनाएंगी जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन जिनके पास शेयर कैपिटल है जो कर रहे है और साथ में वो गारंटी है जो जिनकी और जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है टेबल डी के फॉर्म में मेमोरेंडम वो कंपनी बनाएगी जो अनलिमिटेड कंपनीज है मतलब जिनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है एंड नॉट है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है ठीक है एंड द फॉर्म ई टेबल इज एप्लीकेबल टू अनलिमिटेड कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल ई टेबल टेबल ई के फॉर्म में वो कंपनीज बनाएंगी जो अनलिमिटेड कंपनीज है और जिनके शेयर कैपिटल है मतलब जिन्होंने शेयर कैपिटल इशू कर रखी है ठीक है ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज जब हम uh, मैं वीडियो बनाऊंगी जब मैं कवर अप करूंगी तो उसमें बताऊंगी कि ये इतने तरह की कंपनीज हमारी होती है ठीक है तो उसमें आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिंटेड होना चाहिए पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए प्रॉपर और उसके ऊपर हर सब्सक्राइबर के साइन होने चाहिए और सब्सक्राइबर का एड्रेस होना चाहिए डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि Uh, और उसका ऑक्यूपेशन होना चाहिए कि वो क्या काम करता है ठीक है इट शेल बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस जो सब्सक्राइबर उस पर साइन करेंगे जो मेंबर्स उस पर साइन करेंगे वो एक विटनेस की मौजूदगी में साइन होंगे विटनेस कौन होता है जो मतलब इस चीज़ की गवाही देगा कि हाँ इन्होंने साइन करे हैं हु शेल बी अटेस्ट द सिग्नेचर जो अटेस्ट करेगा सिग्नेचर को अब विटनेस क्यों जरूरी है ऐसे तो फिर कोई भी किसी के भी साइन कर देगा विटनेस ये सबूत देगा कि हाँ भाई इस पर्सन ने ही साइन करे हैं इसको मैं उस समय प्रेजेंट था ठीक है एंड शेल लाइकवाइज हिज एड्रेस जो विटनेस होगा वो भी अपना एड्रेस लिखेगा उसमें अपना ऑक्यूपेशन लिखेगा डिस्क्रिप्शन लिखेगा कि मैं कौन हूँ मेरा क्या काम है ठीक है जो विटनेस होता है वो सारे मेंबर्स के लिए सेम हो सकता है मीन जरूरी नहीं है कि हर मेंबर के लिए आपको अलग विटनेस चाहिए होगा एक ही विटनेस सारे मेंबर्स को मत के लिए हो सकता है मतलब सभी के लिए वो गवाही दे सकता है लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर का विटनेस नहीं हो सकता मतलब विटनेस कोई बाहर का ही पर्सन होना चाहिए कोई और ही होना चाहिए मेंबर दूसरा मेंबर नहीं हो सकता वो क्लियर अब देखो पब्लिक कंपनी के केस के में कम से कम सात लोग और प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम दो लोग जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज होने चाहिए मतलब मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम पब्लिक कंपनी के केस में के सात लोगों का उस पर साइन होना जरूरी है और प्राइवेट के केस के में दो लोगों का होना जरूरी है ठीक है तो जो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा थोड़ा छोटा टॉपिक है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके क्लॉजेस की होगी कि इसमें कौन कौन से क्लॉज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा ठीक है फिर उसके बाद मैं ऑल्ट्रेशन वाली बनाऊंगी सो so आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू